किचन में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। शादियों में तो आपने खाया होगा स्टीम रोस्ट और पार्टीज में भी आपने खाया होगा, तो आज हम घर में वैसा ही टेस्ट, वैसा ही जायका आज हम घर में बनाएंगे और वो भी मेरे स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, फूड कलर, 4 चम्मच दही, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, हसबे जायका भी कर सकते हैं, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच लेमन का रस और अदरक लहसुन पेस्ट का 1 चम्मच चाहिए। इसको हम कलर फूड से कलर करेंगे। अभी हम इनको मिक्स करते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप सोया सॉस डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसके लिए लीमू का रस डाल दिया, इसलिए देखें कैसा जबरदस्त मसाला तैयार है। चिकन जो है उसके ऊपर हम इस तरह करके एक एक जो है पीस उसको पकड़ के कोटिंग करते जाएंगे। अभी हम इसको कवर करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देते हैं। अभी 2 घंटे हो चुके हैं और इसकी पैकिंग जो है ना, ऊपर जो रैप किया था इसको उतारते हैं। अभी वक्त है, अभी चूल्हा जो है ना उसको जला लेते हैं मीडियम फ्लेम पे इस तरह करके। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छा, 4 चम्मच दस मिनट तक हम इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के बाद हम देखते हैं इसकी पोजीशन। दस मिनट हो चुके हैं, ढकना उठाते हैं, देखें उसने अपना पानी जो है ना चिकन के अंदर जो था वो भी रिलीज करना शुरू कर दिया है, जो ऑयल है वो भी है। और अभी हम इसको दोबारा ढक्कन जो है ऊपर दे देते हैं और आग को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देते हैं। और अभी हम इंतजार करेंगे 30 मिनट तक। अभी
30 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठा के देखते हैं, देखें कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अभी हम इसकी साइड जो है ना उसको चेंज करते हैं। इस तरह करके 30 मिनट और हम इंतजार करेंगे और इसको कवर कर देते हैं। फ्लेम जो है वो सेम वही है, लो फ्लेम पे 30 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। अभी 30 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन जो है ना उसको उतार देंगे और इसकी साइड जो है ना उसको हम चेंज करेंगे। अभी हम इसको खुला रख देंगे ताकि जो इसमें है बाकी कसर वो सारी निकल दे, पानी जो है ऑयल जो है सब कुछ। 10 मिनट के लिए हम इंतजार करेंगे। लेंजी चिकन स्टीम रोस्ट हमारा पककर तैयार हो गया। इसके ऊपर लेमन निचोड़ें और कैसा जबरदस्त है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, खुदा हाफिज़।